तुम्हें पछताना पड़ सकता है, तुम्हें दवाई लेनी पड़ सकती है, हमें घर बेचना पड़ सकता है। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंस के लिए हम मे हैव टू का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है पड़ सकता है। आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे मे हैव टू, और फिर लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तुम्हें पछताना पड़ सकता है, यू मे हैव टू रिग्रेट, यू मे हैव टू रिग्रेट। तुम्हें दवाई लेनी पड़ सकती है, यू मे हैव टू टेक मेडिसिन, यू मे हैव टू टेक मेडिसिन। मुझे अस्पताल जाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू गो हॉस्पिटल, आई मे हैव टू गो हॉस्पिटल। हमें घर बेचना पड़ सकता है, वी मे हैव टू सेल द हाउस, वी मे हैव टू सेल द हाउस। एक सेंटेंस आपके लिए, उसे रोना पड़ सकता है। इसे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।